चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे के महज कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर अचानक चीन के रुख बदले से नजर आ रहे हैं। आपको बताएं तो चीन की तरफ से भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। भारत में चीनी दूतावास की प्रभारी मा जिया ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में LAC के पास बिगड़े हालातों के चलते भारत और चीन के संबंधों में भले ही खटास आई हो, लेकिन असल मायनों में कोई भी पक्ष सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं रूस और चीन के बीच ऐसी कोई बात तो नहीं हुई जिसके बाद भारत के लिए जिनपिंग का हृदय परिवर्तन हो गया है। कहीं पुतिन ने जिनपिंग से भारत को लेकर कुछ कहा तो नहीं है। दरअसल चीन को लेकर रूस भी जानता है कि चीन की दोस्ती पर आंख मूंद कर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इतिहास में सोवियत संघ के विघटन से पहले सोवियत संघ और चीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। तब चीन अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते साझा करता था। चीन की मंशा थी कि वो भी सोवियत संघ की तरह विशाल बने, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद यानी 90 के दशक में रूस और चीन के बीच रिश्ते थोड़े ठीक होने शुरू हो गए। वहीं भारत की बात करें तो भारत और रूस हर तरह की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं। बीते दिनों जब जिनपिंग रूस गए तो भारत रूस और भारत चीन के बीच संबंधों की चर्चा शुरू हो गई थी। विशेषज्ञों ने इस बात की तुलना करना शुरू कर दिया था कि रूस के साथ किसके संबंध अच्छे हैं, चीन या फिर भारत। भारत और चीन में रूस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? दुनिया में इस तरह के सवालों के बीच रूस ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत के कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ रूस चीन संबंधों को रूस भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान पहुँचाने वाला मान रहे हैं। ये उनकी निजी राय हो सकती है। रूस के भारत और चीन दोनों के साथ संबंध अलग अलग है। हालांकि जिनपिंग के रूस दौरे के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।